महिला बाल विकास समिति की सभापति पहुंची सदर अस्पताल, औचक निरीक्षण से डॉक्टर कर्मियों के बीच हड़कंप, बोली सरकारी अस्पताल में सभी तरह की है सुविधा। बिहार विधानसभा की महिला बाल विकास समिति की सभापति वीना सिंह ने गुरुवार को समस्तीपुर सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। महिला बाल विकास समिति की सभापति के अचानक सदर अस्पताल पहुंचने से अस्पताल के डॉक्टर और कर्मियों के बीच हड़कंप मच गया। सभापति के अस्पताल पहुंचाने की सूचना पर सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर नागमणि राज के साथ ही अस्पताल प्रबंधक आदि भी मौके पर पहुंचे। वीना सिंह ने सदर अस्पताल के पिकू वार्ड के अलावा महिला वार्ड, प्रसूता कक्ष समेत और वार्डों का निरीक्षण कर बच्चा एवं महिलाओं को मिल रही सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। के बाद पत्रकारों से बातचीत करती हुई महिला बाल विकास समिति की सभापति वीना सिंह ने कहा कि बिहार में नीतीश सरकार और केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार सुविधाओं का विस्तार कर रही है। अभी सदर अस्पताल में पर्याप्त डॉक्टर के साथ ही सभी प्रकार की दवा और करीब 60 प्रकारों की जाँच की जा रही है। लोग अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठाएं, बीमार होने की स्थिति में इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचे ताकि वह निजी क्लिनिकों में दोहन के से बच सकेंगे। इमरजेंसी से लेकर विभिन्न वार्डों का लिया जाएगा मरीज से की बातचीत। महिला बाल विकास समिति की सभापति वीना सिंह ने सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड से लेकर विभिन्न वार्डों का, जांच केंद्र का, फिजियोथेरेपी सेंटर आदि जगहों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीज से भी पूछताछ की। उन्होंने मरीजों से परेशानी और सुविधा के बारे में पूछताछ की। उन्होंने कहा कि निरीक्षण की रिपोर्ट हुआ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने। विभाग का इंस्पेक्शन किया गया, क्या क्या चीज को देखा गया? हम तो पूरे डिपार्टमेंट में घूम रहे हैं, पूरे हॉस्पिटल घूमे हैं और देख रहे हैं, सारी सुविधा मिल रही है। मैं महिला बाल विकास के चेयरमैन और हम लोग का कमेटी आई है, सोचे जाते हैं सबसे मिलेंगे जुलेंगे, अस्पताल थोड़ा देखेंगे। अच्छा लगा है और काफ़ी लोग खुश भी है, सभी को इलाज सही हो रहा है, जांच भी हो रहा है। जांच ऐसा नहीं है, हमको लगता है 60 ऐसा चीज़ है जांच होने में होता है, ब्लड जाँच ही वो सब मिलाकर 60 चीज़ का जाँच होता है। और सुविधा हमारी सरकार ने दे रही है, दवाई का भी कमी नहीं है, सुई का भी कमी नहीं, जांच का भी कमी नहीं है, सारे सुविधा जनता के धरातल पर उतर गया हुआ है, काम हो रहा है, सही से हो रहा है। इसी पक्ष में हम लोग आए हैं, देखे हैं, घूमे हैं, सबसे जान पता आप तो पीछे पीछे चलिए रहे हैं, आप मीडिया भाई है सभी को, चलिए आप लोग का भी धन्यवाद देती हूँ, आपने आए हैं, इसका उजागर कीजिएगा हमारी सरकार क्या क्या सुविधा हमारी जनता के बीच में रख रहे हैं, क्या क्या सुविधा दे रही है। आज देख रहे हैं हमारी गरीब माता बहने, जो गरीब है, जो इलाज कराने से लाचार है, उनका 5 लाख आयुष्मान कार्ड आप जानते हैं मिलता है, 5 लाख का आयुष्मान कार्ड बनता है, उस कार्ड से कहीं भी इलाज करा सकती है, कहीं भी जा सकती है, पूरे परिवार से इलाज, हर साल 5 लाख उनका रुपया मिलेगा, हमारी केंद्र की सरकार ने दी है, राज्य सरकार पूरे सुविधा दे रही है, राज्य और केंद्र मिलके हमारी जनताओं के बीच में सारे दवाइयाँ, सारा जाँच सब उपलब्ध है, अल्ट्रासाउंड है, देखे हैं, या कहता है सीटी स्कैन है, और सारी सुविधा है, उस सुविधा में सभी लोग खुश है, सही से काम चल रहा है। Thank you.